Hello and welcome back to the Medico Goal. In this video, we are going to discuss about BP-801T Bar Stats and Research Methodology Unit 1 Part 4, that is correlation. So let's begin. Correlation होता है relationship between दो variables जिसमें change जो होता है value में एक variable का वो change कर देता है दूसरे variable की value को. जो value of correlation होती है वो vary करती है minus 1 से प्लस वन तक. जो माइनस वन होता है वो परफेक्ट नेगेटिव होता है और प्लस वन होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देन ये तीन टाइप्स का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. पॉजिटिव में जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ज़ीरो में एक की जो वैल्यू होती है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है. देन आता है कार्ल पियर्सन कोफिशेंट, जिसको हम कहते हैं पियर्सोनियन कोफिशेंट, या फिर कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशेंट. ये होती है वैल्यू जो मेजर करती है कोरिलेशन दो वेरिएबल्स की. जो कार्ल पियर्सन है ये एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन था, जिसने हमें फॉर्मूला दिया था कैलकुलेट करने के लिए कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन को. ये फॉर्मूलाज भी PDF में मेंशन है जो कि अपलोड हो गई है. देन आता है मल्टीपल कोरिलेशन. इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन थ्री या ज़्यादा वेरिएबल्स, जिसमें एक जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और बाकी जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं. तो ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन अ वेरिएबल एंड कंबाइंड वेरिएबल्स. देन जो प्रोबेबल एरर होती है कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन की, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है. That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.